आतंक के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और तुर्की को दी चेतावनी। दो टूक में बता दिया कि जब तक आतंकवाद के साथ रहेगा पाकिस्तान, तब तक बातचीत नहीं हो सकती है और बातचीत की मेज पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। दरअसल आपको बता दें, आतंक को हथियार बनाकर भारत से बातचीत की मेज पर कतई बैठा नहीं जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और तुर्की समेत उन देशों को दी चेतावनी। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को पाकिस्तान और चाइना को एक बार फिर से आड़ों हाथों लिया है। साइप्रस यात्रा के दौरान एक संबोधन में नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है, आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर नहीं बैठाया जा सकता है। वहीं चीन के साथ सीमा विवादों पर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं, क्योंकि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं होंगे। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प पर उन्होंने कहा है कि हमारी सेनाओं पर चुनौतियाँ हैं जो कोविड के दौरान और बढ़ गई हैं। आतंकवाद से भारत सबसे ज़्यादा पीड़ित। आतंकवाद के मुद्दे पे साइप्रस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधा सीधा आतंकी देशों पे बड़ा हमला बोला और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अभी भी आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित भारत रहा है। इस मुद्दे पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे आतंकवाद को लेकर, और आतंकवाद से किसी भी देश को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना भारत को हुआ। उन्होंने कहा है कि हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पे टॉलरेट स्वीकार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आतंकवाद से भारत सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा और आतंकी देश पाकिस्तान ही है। अब इसके बाद आपको बता दें, विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट तरीके से पाकिस्तान पर हमला बोला और कहा, आतंकवाद को हथियार बनाकर हम किसी भी देश से बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता कर लें। हम आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। तो सीधा सीधा पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद छोड़ने और आतंकवाद छोड़ने के बाद ही बातचीत की बात फिर से दोहराई है। साइप्रस में सीधी चेतावनी के बाद चाइना और पाकिस्तान में पूरी तरीके से हड़कंप है। इस बीच आपको बता दें, विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। जब पाकिस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना प्रोपोगेंडा जो फैलाने की कोशिश की, उस पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भारत के पास आने के बाद से ही पाकिस्तान आतंकवाद पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा। इसी मकसद से पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सरकार के तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। इसके अलावा जरदारी ने भारत राज्य सरकार, भारत राज्य की विचारधारा सरकार के को हिटलर से प्रभावित बताया, यानी मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की। मोदी सरकार की तुलना हिटलर से करते हुए उन्होंने सीधा PM मोदी को गुजरात का कसाई बता दिया। पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में 1200 से ज़्यादा आतंकी हमले किए हैं। विदेश राज्य मंत्री ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आतंकवाद का इस्तेमाल भारत से ज़्यादा किसी देश में भी नहीं हुआ है। यानी समझिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब पाकिस्तान पर हमलावर हुए और इंटरनेशनल मंच पर जब पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी और उनकी पोल खोलनी शुरू की, तो पाकिस्तान भी पूरी तरीके से बौखला गया। अब इस बीच आपको बता दें, अरुणाचल और चाइना को लेकर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर भड़के, उसके पीछे की वजह अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प का रहा। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बताया था कि कैसे चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में LAC के पास यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने उनकी मंसूबों पर पानी फेर दिया और चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इसी दौरान दोनों देशों की सेनाओं के साथ झड़प भी हुई थी। इस चीज की चर्चा जो है वो भारतीय विदेश मंत्री साइप्रस में की है। साइप्रस में उन्होंने कहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध जो है वो कतई ठीक नहीं है,
क्योंकि चाइना चाहता है कि चाइना अपनी स्थिति को जो LAC पे यथा स्थिति है उसे एक तरफा बदलने की कोशिश करता है। यानी एक तरफा मतलब चाइना ये सोचता है कि हमारी ज़मीनों पे यानी भारत की ज़मीनों पे वो कब्जा करने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि तवांग सेक्टर में जो झड़प हुई थी, जो चीनी सैनिकों को भारतीय सेनाओं ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था, वो इसी का एक हिस्सा है। और विदेश मंत्री अजय शंकर ने चीन पर भी बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें, भारत और साइप्रस के बीच राजनीतिक संबंध के 60 साल पूरे होने के अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस दौरे पर हैं। साइप्रस दौरे के दौरान जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सैन्य समझौते पर दस्तखत किए। इसके अलावा दोनों देशों ने इमिग्रेशन और मोबिलिटी के साथ साथ साइप्रस के अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने के समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। तो आपने देखा कि कैसे विदेश मंत्री जयशंकर से ने न केवल इंटरनेशनल मंच पे पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करार दिया और कहा कि बिना आतंकवाद खत्म किए हम बातचीत नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ चाइना को भी उन्होंने करारा झटका दिया और तवांग सेक्टर में हुए झड़प का मुद्दा उठाकर चाइना पर बड़ा हमला बोलते हुए एक तरफा जो है वो LAC की स्थिति को बदलने वाला बताया। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें, जिस तरीके से इंटरनेशनल मंच पे पाकिस्तान की कलाई खोलकर भारतीय विदेश मंत्री ने रख दिया, इसे आप कैसे देखते हैं। पल पल की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।